जोर से बोलो। नालपाल नर्वस कैसे हो? ये बात लगा कर भाई यादव है, यादवों की आवाज तो बहुत तगड़ी होती है। जब भी हाथ मिलाए करो हाथ में एकदम कर रही होनी चाहिए, हाथ में दम ना हो तो एकदम यूं करके मिलाओ। यस योग यस गुड यस। इससे आपकी पर्सनलिटी छूट करती है। हाँ बिल्कुल। एक बच्चे को देखता हूँ कि वो अंडर 18 यूपी टीम में जाएगा, पूरे यूपी में। तो आप में से कौन सा बच्चा है यूपी 18 में जाएगा? इसका कॉन्फिडेंस कह रहा है। कॉन्फिडेंस बताओ, कौन जाएगा यूपी में, यूपी टीम में? अरे हैंड रेस करो। जो जो लगता है वो यूपी की टॉप टीम में जाएगा 18 में। यूपी समझ तो रहे हो ना, मैं जो कह रहा हूँ यूपी की टीम में जाएगा, गवर्नमेंट वाली है ना। क्या बनना चाहते हो? नहीं नहीं, इधर से शुरुआत करते हैं भैया। ये 18 की टीम में जाएंगे, कैसे जाओगे? बोल क्या है, क्या प्लान है आपके पास? सपने करने में कुछ नहीं है, गोल क्या है, प्लान? प्लान होता नहीं होता है। उम्र कितनी आपकी? आपकी उम्र 14 है, ठीक है, इसलिए मैंने 18 करा, क्योंकि बहुत से बच्चे 14 हैं, 13 हैं, 12 हैं, 4 साल का टाइम है आपके पास। अच्छा शॉर्ट में कर देते हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनको यूपी की उसमें टीम में जाना है 18 में। तो कभी भी जो आप लोग बच्चे होते हो ना, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ लो, हमारे माता पिता की कमी समझ लो, या हमारी समाज की कमी समझ लो, हमें जाना तो चांद पे है। सुबह मम्मी पापा कहेंगे हमें डॉक्टर बनना है, किसी का इंजीनियर बनना है, लेकिन ये किसी बच्चे को नहीं मालूम, ये किसी माता पिता को नहीं मालूम बनना कैसे है। तो आपका गोल एकदम सेट होना चाहिए, है ना। मैं राज गुप्ता, राज मोबाइल से, आप लोग शायद कुछ जानते हो, कुछ बच्चे नहीं जानते हो, है ना। आपका गोल, जिन जिन्होंने हाथ उठाया, आपका यूपी की टीम में सिलेक्ट होना है 18 में। जो बच्चा जाएगा, आपको जो चाहिए वो राज मोबाइल की ओर से मिलेगा, जो आपको लगे कि आपके रास्ते में ये मेरा रुकावट है, जिस पैसे से, जूते से, यूनिफॉर्म से, किसी भी वजह से। आपका गोल अगर हाथ यूँ ही खड़ा करने के लिए कि 4 लोग आए और आपने 10 लोगों ने खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होता। एक छाप होती ना, जो गोल होता है, हाँ होना चाहिए गोल पे, यहाँ पर हमें 18 में जाना है, लेकिन कैसे जाओगे वो आज रात में सोचना। अगर जाना है वास्तव में, वैसे इंजॉय कर रहे हो तो क्रिकेट का मजा लो, जीवन भर लेते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जिसको जाना है, लगता है कि मैं कैरियर बनाना है इस फील्ड में, ठीक है, नहीं है तो उसको यहाँ पे सोचना होगा, उसको कहीं उतारो, चिपकाओ, उसको रोज नोटिस करो, ईयर टू ईयर। 4 साल हैं आपके जाने पे, कोई आसमान से नहीं उतरता, आप में से सारे जाते हैं, लेकिन जहाँ जरूर होना चाहिए, जैसे अर्जुन को मछली की आग दिखाई देती थी ना, आपको अंडर 18 ही दिखाई देना चाहिए अगर इसमें कैरियर बनाना चाहते हो। सही है साहब, है नहीं है? किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत हो, आप ये बात में बहाना मत बनाना, हम हो सकता है 4 साल बाद मिलें कि मुझ पे ये नहीं था, इनसे बोलो कि अरे आपने ये सपोर्ट नहीं करी, इनसे बोलो समाज ने सपोर्ट, कुछ नहीं। आज इसी ग्राउंड में कह के जा रहा हूँ मैं कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई बहानेबाजी नहीं। अगर जिसको अगर जाना है यूपी की टीम में, तो आप पे पूरी सपोर्ट है, कोई भी खुल के खेलो। दूसरा, आपको इस खेल में नहीं जाना है, आपको कुछ और बनना है, कुछ और खेल में इंटरेस्ट है, तो हम लोग आपके साथ हैं, समाज के साथ में। जो चाहते हैं और जो बढ़ने की इच्छा रखते हैं, उन्हें कभी भी कोई रोक नहीं सकता है ना। आप छोटे हो, हम समाज को तो बदल नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के द्वारा बहुत सी चीज़ें बदली जा सकती हैं। ठीक है भाइयों, बेस्ट ऑफ लक। कोई एक तो जाना चाहिए, कोई एक तो यूपी की टीम में जाना चाहिए अंडर 18 में। 14 तक तुम्हारा आसपास का ये निकल ही जाएगा साल 2 साल में। अंडर 18 में कोई एक तो जाना चाहिए हमारी राहुल भाई की टीम से, जिससे हमारा भाई कह रहा कह सके हाँ मेरी टीम से गया था। और आज मैं कह के जा रहा हूँ, कोई एक तो जाएगा भी, या गुड लक मानो मेरा या कुछ भी मानो, ऊपर वाले की इतनी महिमा है, आप में से एक बच्चा जरूर अंडर 18 में जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। ठीक है साहब।